सूर्य कुमार यादव आज के दौर का सबसे धुरंधर खिलाड़ी, जो जब भी मैदान पर आता है कहर बरपाता है, चौके छक्कों की लाइन लगा देता है, शतक पर शतक लगाता जा रहा है, ना स्पिनर को छोड़ता है, ना तेज गेंदबाजों को छोड़ता है, ना किसी भी टीम को छोड़ता है। इंग्लैंड को पीटा, न्यूजीलैंड को पीटा, अब श्रीलंका को भी पीट दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि सूर्य कुमार यादव का कोई तोड़ नजर किसी को नहीं आ रहा है, कोई गेंदबाज ऐसा नजर नहीं आता जो सूर्य कुमार यादव पर लगाम लगा दे। लेकिन एक चीज है, एक आवाज है जो सूर्य कुमार यादव के बल्ले पर लगाम लगा देती है, एक वो आवाज जिसे सुनकर सूर्य कुमार यादव ये बता देते हैं कि भाई आज शतक लगने वाला है, जिसे सुनकर सूर्य कुमार यादव ये बता देते हैं कि आज गेंदबाजों की खैर नहीं है, जिसे सुनकर, जिस आवाज को सुनकर सूर्य कुमार यादव प्रैक्टिस करनी छोड़ देते हैं, जिस आवाज को सुनकर वो ये बता देते हैं कि आज का दिन कमाल होने वाला है, वो आवाज कौन सी है और किसकी वो आवाज है जिसके बाद सूर्य कुमार यादव अपना माइंडसेट बदलते हैं और मैदान पर जाकर धमाल करते हैं। दरअसल आपको पता है कि जिस वक्त श्रीलंका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने धमाकेदार अंदाज में शतक लगाया, उसके बाद राहुल द्रविड़ उनके पास आए, राहुल द्रविड़ ने उनसे बात की, बीसीसीआई टीवी पर राहुल द्रविड़ ने उनसे बात की और इस दौरान राहुल द्रविड़ ने उनसे कई दिलचस्प सवाल पूछे। उनमें से एक सवाल यह भी था कि भाई आपके ऊपर क्या असर डालता है, कौन सी वो आवाज है जिसको सुनकर, जिसके बाद आपका दिमाग सेटल हो जाता है और आप सोचते हैं कि हाँ आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो सूर्य कुमार यादव ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जिस वक्त मैं प्रैक्टिस करने के लिए जाता हूं और मैदान पर होता हूं, उस वक्त जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूं तो जो मेरी बल्ले की आवाज होती है उससे मैं समझ जाता हूं कि भाई आज गेंदबाजों की खैर नहीं है, आज इस टीम का बुरा वक्त आने वाला है। ये बल्ले की जो आवाज होती है ना, उससे पता चल जाता है कि आज मैं बढ़िया खेलूंगा, आज मैं शतक लगाऊंगा, और अगर बल्ले की आवाज अच्छी आ रही है तो मैं फिर 10 मिनट प्रैक्टिस करता हूं और 10 मिनट के बाद मैं मैदान से बाहर चला जाता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि आज बल्ले की आवाज अच्छी आ रही है इसलिए आज मैं बेहतर क्रिकेट खेलूंगा। और जिस दिन बल्ले की आवाज अच्छी नहीं आती उस दिन प्रैक्टिस के दौरान मैं बहुत वक्त बिताता हूं, अपनी प्रैक्टिस में बेहतर करने की कोशिश करता हूं, बल्ले पर बेहतर गेंद लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन जिस दिन बल्ले की आवाज अच्छी आती है उस दिन मुझे पहले ही पता चल जाता है कि भाई आज तो मैदान पर धमाल होने वाला है, आज मैदान पर विपक्षी टीम का काल आने वाला है, और उस दिन मैं फिर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूं, उस दिन मैं फिर 10 या 15 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद मैदान से बाहर चला जाता हूं। ये सूर्य कुमार यादव ने बताया। तो जाहिर तौर पर बड़ी दिलचस्प बात बताई, क्योंकि बल्ले की आवाज वास्तव में किसी भी खिलाड़ी के बल्ले की आवाज ये बता देती है कि वो खिलाड़ी कितना बेहतर फॉर्म में है। कई क्रिकेट के दिग्गज इस बात को कहते हैं कि बल्ले की जो मैदान पर जो बल्ले की आवाज़ होती है, जो टोन होती है, वो ये बता देता है कि हाँ गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी है कि नहीं लगी है, या खिलाड़ी कितने बेहतर टच में है। और सूर्य कुमार यादव ने भी वही बात बताई कि प्रैक्टिस के दौरान जब वो होते हैं, मैच से पहले जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो बल्ले की आवाज़ से साफ हो जाता है कि आज वो मैदान पर तूफान मचाने वाले हैं। तो बड़ी दिलचस्प ये जानकारी सूर्य कुमार यादव ने दी है। आपका सूर्य कुमार यादव की इस जानकारी पर, इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।